ये देखिए गाइस, ये है राजमौची पॉइंट जो कि लोनावला का सबसे फेमस पॉइंट में एक है। और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम राजमौची पॉइंट। आज बहुत दिनों के बाद हम घूमने जा रहे हैं और तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और ये मुंबई पुणे पुराना हाईवे है जो कि मतलब नया जो नेशनल हाईवे है उस पर बाइक नहीं चला सकते, तो हम पुराने से ही जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। नज़ारे बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है, तो देखिए आप भी। गाइस देखिए, बारिश चालू हो गई है और हम अभी रास्ते में ही हैं। अच्छा हुआ हमने पहले से ही रेनकोट पहन लिए थे तो हम भीग नहीं रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश बहुत अच्छी लग रही है रास्ते में, देखिए। तो अभी घाट चालू हो गया है और इस घाट का नाम है भोर घाट, जो कि मुंबई पुणे हाईवे के बीच में आता है। मतलब मुंबई पुणे के बीच में है घाट है, और घाटों का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पहाड़ है, हरियाली है, पेड़ है और बहुत ही खूबसूरत है नज़ारे यहाँ के। तो देखिए आप भी, बहुत ही हरियाली है यहाँ।
तो गाइस अभी हम सुबह से घर से निकले थे और बीच में कहाँ रुके नहीं, तो अभी यहाँ पे एक स्टॉल है छोटा सा जहाँ पे चाय नाश्ता भी मिलता है, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता करके आगे जाएंगे, तो आप भी यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला है यहाँ पे आके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।